छत्तीसगढ़ का एक टेप इस वक्त महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हर जगह बज रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जोर जोर से इस टेप का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। ये टेप एक कालीचरण नाम के साधु का है, जो भगवा चोला पहन करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है। उसके विवादित बयान को मंच से ही नकार दिया जाता है, मगर जैसे ही ये टेप राहुल गांधी ने देखा तो एक नए नरेटिव के साथ, नए एजेंडे के साथ उसे सोशल मीडिया पर परोस दिया। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया, वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। भगवा चोले पहने इस बाबा की बातें सुनी आपने? अगर नहीं तो एक बार फिर सुनिए। और महा वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया, नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अब शब्द कहने वाला ये शख्स संत नहीं हो सकता। सार्वजनिक मंच से हिंदू मुस्लिम और खून खराबे की बातें करने वाला ये शख्स भगवाधारी नहीं हो सकता। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसी होगा नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपकी तैयारी भी नहीं है, मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। या जो हिंदू हित की बात करेगा, पर ये एक सूत्र मंत्र जप के जैसे करो। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47वें कब्जा लिए भैया, दो दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। स्वयंभू संत कालीचरण सीधे सीधे लोगों को भड़काने बहकाने वाली बातें कर रहा था, बापू को अपशब्द कह रहा था। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। मंच पर मौजूद भगवाधारियों ने बिना देर लगाए उसकी क्लास लगा दी। मंच से ही महंत राम सुंदर दास ने दुत्कारा, ऐसी घटिया सोच को फटकारा। ढोंगी बाबा कालीचरण को जवाब वहीं का वहीं मिल गया, ऑन द स्पॉट मिल गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात को कहा के यहां से चले गए, अब आप बताइए। उसने तो खुद ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, इस सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और थाली ताली रूप से खूब बजी थी। सर 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ, वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का ये उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, एक बार सातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, मगर इसके बाद सियासत शुरू हो गई। हैशटैग कालीचरण महाराज और हैशटैग गांधी फॉरएवर ट्रेंड करने लगा। मोदी विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हुआ, गांधी फॉरएवर वाले हैशटैग के साथ राहुल मैदान में कूद पड़े। छत्तीसगढ़ के सीएम ने राहुल का ट्वीट रीट्वीट किया। उससे पहले भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में बड़ी चालाकी से हिंदुत्ववादी वाला नैरेटिव फिट किया और उसे कालीचरण से जोड़ दिया। इस वक्त कांग्रेस का हर छोटा और बड़ा नेता स्वयंभू संत के विवादित बयान को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त हिंदू वर्सेस हिंदुत्व हो रहा है। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। कालीचरण छत्तीसगढ़ से निकला, महाराष्ट्र में जाकर छिप गया। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की गठबंधन सरकार है।
कालीचरण की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? थाने के बाहर नारेबाजी हुई, FIR दर्ज हुई, एक्शन शुरू हो गया। देखिए 25 और 26 दिसंबर को रावणभाटा मैदान में धर्म संसद का आयोजन कराया गया था, जिसमें कालीचरण महाराज के द्वारा कुछ आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी व्याख्यान दिया गया। उसमें प्रार्थी श्री प्रमोद दुबे के द्वारा टिकरापारा थाने में अपराध दर्ज कराया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में गैर जमानती धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। मगर कैसे कैमरे पर फुल ऑन सियासत शुरू हो गई? भूपेश बघेल सामने आए, एक दूसरी लाइन लेंथ पकड़ ली, पूरे मामले में बीजेपी को ही घसीट लिया और वही हिंदू हिंदुत्व वाला खेल फिर से शुरू हो गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का माहौल छत्तीसगढ़ में बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के मुद्दे पे आप जहर नहीं घोल सकते। दूसरी बात यह है कि ये अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में, इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती है। इस पूरे मामले में एक चीज गौर करने वाली है, जब से राहुल ने हिंदू और हिंदुत्व की डिबेट शुरू की है तब से इस तरह की घटना में इजाफा हुआ है। राहुल की देखा देखी कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम वही राग अलाप रहा है। दिग्विजय सिंह को ही ले लीजिए, उनकी आज की टाइमलाइन देख लीजिए, कैसे हिंदू और हिंदुत्व को मोदी से जोड़कर अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल किया जा रहा है। हिंदू हूं हिंदुत्ववादी नहीं वाला हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है। इस पूरे मामले में कांग्रेस जो कह रही है और जो कर रही है उसे एक्सपोज करने का जिम्मा ओवैसी भाईजान ने उठाया। भाईजान ने आज बैक टू बैक 14 ट्वीट्स किए, एक एक डिटेल और फैक्ट के साथ स्टैब्लिश किया कि सब कुछ कांग्रेस की निगरानी में हो रहा था। इस धर्म संसद की जानकारी बघेल सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्रियों को भी थी, दर्शक दीर्घा में कांग्रेस सहित अलग अलग पार्टियों के नेता भी थे। ओवैसी का सीधा हमला दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप पर था और सवाल सिर्फ एक था कि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा ही क्यों लिया। ने पॉलिटिकल पार्टीज है भारत में जो भारत के संविधान पर यकीन करते हैं, जो एनआरकी पर नहीं रूल ऑफ लॉ पर भरोसा करते हैं, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी खामोशी को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ एक ओपन जेनोसाइड का कॉल दे दिया गया जिसमें कहा गया कि म्यांमार में जिस तरह रोहिंग्याओं को बेघर किया गया, मारा गया, उस तरह भारत के मुसलमानों को इस तरह का उनका हाल करना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी वहां पर 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस वहां पर अपना गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, मनमोहन सिंह को गोली से मारने की बात कही गई जो देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस पर भी आप रिएक्ट नहीं करें, कब रिएक्ट करेंगे? रूल ऑफ लॉ की के ऊपर बात करेंगे या एनआरकी के ऊपर करेंगे? तो इनकी खामोशी इनको एक्सपोज करती है और ये बताता है कि इसलिए खामोश है क्योंकि इनको फिक्र है कि दूसरा आउट नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पर कोर्ट की नहीं, यहाँ पर जेनोसाइड का कॉल दिया जा रहा है। मगर अच्छा है, देश देख रहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे समाजवादी और कांग्रेस हो, कैसे लोग खामोश बैठे। और सिर्फ FIR इशू करने से नहीं होता, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन को UAPA के तहत बैन करना चाहिए, तभी जाकर रोक लगेगा, वरना ओपन कॉल को जेनोसाइड किया जा रहा है भारत के मुसलमानों के बारे में। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी। इस पूरे मामले की शुरुआत छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई मगर इसका क्लाइमेक्स सीन महाराष्ट्र में शूट किया गया क्योंकि बापू पर विवादित टिप्पणी देने वाला कालीचरण महाराष्ट्र के अकोला का रहने वाला है। शासन का गुलाम प्रशासन, प्रशासन की गुलाम पुलिस। कालीचरण का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में उठा, जमकर शोर शराबा हुआ। NCP, कांग्रेस और शिवसेना अटैकिंग मोड में दिखी और कैमरे पर वही मोदी विरोधी स्क्रिप्ट पढ़ी गई जो पहले से एक्सपेक्टेड थी। जो फर्जी साधु है, महात्मा गांधी को गरियाने का काम किया है। हमें लगता है ये महात्मा गांधी का नहीं देश का अपमान है। गोडसे का महिमा मंडल देश में जब से मोदी सरकार आई शुरू हो गया, अब मर्यादा लांग कर महात्मा गांधी को गरियाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से महात्मा गांधी व
बाकी जो भी देश के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, महात्मा गांधी जी हो, इन सबको अश्लील बोलने वालों को कहीं ना कहीं जो है बैकग्राउंड से सपोर्ट किया जाता है। आपने देखा होगा कि गलत बोलने वालों को तो टेररिज्म से जिसके ऊपर लिप्त है, ऐसे लोगों को जो है पार्लियामेंट में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिठाने का काम किया। जिस तरह से गोडसे का समर्थन हिंदू तो जिंदा रहने के लिए किया जाता है, हिंदुवाद का समर्थन किया जाता है, कांग्रेस इस बात का विरोध करती है, और महात्मा गांधी जी को जिस तरह से एक तरफ से गाली देने का काम, खुद को संत समझने वाले लोग इस तरह का बर्ताव करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुनाह दाखिल होकर उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए, ये मांग कांग्रेस ने आज विधानसभा में की है। सोचने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस एनसीपी शिवसेना गठबंधन की सरकार है, ऐसे में वहां की सरकार कर क्या रही है, वो शख्स अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं आया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कैमरे पर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं मगर एक्शन नहीं ले रहे, तो क्या ओवैसी का शक सही था? छत्तीसगढ़ में पूरा आयोजन कांग्रेस के इशारों पर हुआ, जब धर्म संसद के मंच से भड़काऊ बातें की गई, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, बाबा कालीचरण छत्तीसगढ़ से भागकर महाराष्ट्र में दाखिल हुआ, तो क्या अब महाराष्ट्र सरकार उसे पकड़ने की बजाय हिंदू और हिंदुत्व वाली पटकथा फैलाकर मोदी को घेरने वाले प्लान पर काम कर रही है? कालीचरण महाराज ने जो कहा महात्मा गांधी को लेकर, उसको लेकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग यहाँ पर उठ रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, कोई भी महात्मा गांधी जी भी हो, स्वतंत्र वीर सावरकर हो, या देश के स्वाधीनता के लड़ाई में जिन्होंने अपना जीवन भारत माता के चरणों में अर्पण किया हो, ऐसा कोई भी देशभक्त हो, उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।